भारतीय गरीब राज पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य? सरकार बनाना नीतीश को हटा के या उसके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर साल कोई अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया 24 घंटा के अंदर में साबित चालू करेगा, वो भी मुंबई से अच्छे तौर पर। मुंबई में भारतीय गरीब राज पार्टी की सरकार बन जाएगी बिहार में तो शराब 24 घंटा शपथ ग्रहण के पहले की बात। शपथ ग्रहण के 24 घंटा में सारे बिहारी जो पीने वाले लोग होंगे इसके लिए पूरे पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर एसी हॉल बनेगा। देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के कोर्ट में पहुंचे हैं, एडवोकेट एसोसिएशन कैंपस में है और यहाँ पर जाने माने प्रसिद्ध एडवोकेट दीपक कुमार जी के चैम्बर में पहुंचे हैं और तमाम जो प्रसिद्ध एडवोकेट हैं सभी लोग हमारे अगल बगल बैठे हुए हैं और यहाँ जो चर्चा होगी वह चर्चा होगी बिहार सरकार की शराबबंदी कानून कितना सफल है और कितना असफल है। और दर्शक भी ये सोचते होंगे कि ये बात तो आम आदमी से भी पूछ सकते थे, लेकिन आम आदमी से नहीं पूछने का मेरा मूल मकसद है क्योंकि देश को आदेश कानून देश को चलाता है और कानून को सही तरीके से समझने वाले लोग कोई छोटा सा भी बड़ा सा भी कुछ भी मामला हो तो लोग वकील के पास जाते हैं यह सोच के जाते हैं कि हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, चाहे इस देश का छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो किसी भी समस्या में एडवोकेट के पास पहुंचते हैं और हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। दीपक कुमार जी आप हमारे कैमरे पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। आपको भी लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस मैटर कैमरा लगाने के लिए। जी सबसे पहला सवाल हमारा आपसे होगा कि शराबबंदी से बिहार को क्या फायदा और क्या नुकसान है? फायदा तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता, नुकसान के अलावे और कुछ नहीं। क्या नुकसान है? नुकसान है कि शराबबंदी कानून 2 अक्टूबर 2016 गांधी जी के जन्मदिन है उसके शुभ अवसर पर, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और नशा के विरोधी थे, इसलिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी बिहार के हैं वो गांधीवादी विचार को अपने बिहार में रखते हुए उनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर। पहला तो ये जो कानून है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लागू किया हुआ, हमारे शब्दों में यह एक मौलिक अधिकार का यह हनन कानून है। यह मुख्यमंत्री को कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि इस तरह का वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह का कानून को लागू करे, मौलिक अधिकार का हनन करे। यह एक अपने आप में वह एक कानून विरोधी आदमी है, इसको हम मौलिक अधिकार कानून कहते हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मद निषेध कानून को लागू किया तो ये मौलिक अधिकार का हनन भी? हाँ, पहली नजर में। अब नुकसान की बात आपने पूछा है तो उस पर भी थोड़ा सा सारांश में विस्तार से आपको बता देंगे। जैसे कि शराब वर्ष 2016 से अब तक पूर्ण रूप से बंद है। शराब से जो राज्य में जो रेवेन्यू जो सालाना आता था वर्ष 2016 का रेशियो जिस समय शराब बंद हुआ उस समय 4600 करोड़ रुपया शराब से हमारे बिहार में, यानी कि 4500 करोड़ रुपया से 100 करोड़ ज़्यादा 4600 करोड़ रुपया हमारे बिहार को राजस्व प्राप्ति हो गई। आप कभी हम शराब में कभी पकड़े गए थे आदमी तो हमको छुड़ाने का मौका मिला, हम अबकारी विभाग गए वहाँ पर अबकारी के सुपरिटेंडेंट जो है उनको बोले कि 10 आदमी को तो हम फाइन दे दिए, 11वां आदमी भिखारी था। तो बोले अबकारी विभाग से कि भाई, तो एक वो सिपाही हमको बोला कि वहाँ पर जाइएगा और सुपरिटेंडेंट के आगे उसकी माँ को बोलिएगा कि माथा पटक के रोने लगे कि हम भिखारी ने। तो हम लोग भाई कहे रोने, वहाँ पर गए हम सुपरिटेंडेंट साहब, भाई तो भिखारी ने कहा भिखारी हो या कुछ हो ये पैसा जो हम ले रहे हैं ये पैसा आज हम फाइन ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में डाइवर्ट होता है, यानी कि शराब में जो फाइन आता है उसको हम स्वास्थ्य विभाग में भेज देते हैं। तो यानी कि वो पैसा कहीं ना कहीं काम जो बुराई करते उससे हम ले रहे थे, जो भलाई पर लगा रहे थे। तो आज पूर्ण रूप से 4500 ये 4600 करोड़ रुपया तो आना बंदे हो गया। और प्रत्येक दिन शराब रोकने के लिए जो सरकारी महकमा पर जो खर्च हो रहा है, अभी आप पटने से आइएगा तो पटना पुल पर 10 गाड़ी लगा रहेगा,
मद्य निषेध चेकिंग का, जो सरकारी मशीनरी पर जो सरकार का पर डे खर्च है वो तकरीबन 50 से 100 करोड़ रुपया पर डे मेंटेन में खर्च है। ब्रेथनालाइजर पर खर्च है, बहुत सारा, एगो मशीन निकाल दिया आपको सामने आंख पर टेस्ट करने वाला, उस पर खर्च है, ये सारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं। और उल्टे शराब, जहरीली शराब से मर रहा, तो मरने वाले को गवर्नमेंट 4.5 लाख रुपया भी दे रहे, शराब पियो, और बहुत आदमी परिवार को पिलाइए के मार दे रहा कि मारबो करो, 4.5 लाख रुपया भी ले। सरकार कोई अपर डे कम से कम, सरकार का जो अपंग हो रहा है पुलिस, उसके हॉस्पिटल पर जो खर्चा, जो पुलिस गाड़ी जल रही है, जो शीशा फोड़े जा रहे हैं, अपंग हो रहे, इस सब पर डे 50 करोड़ रुपया का नुकसान है सरकार को। इस तरह राज्य, और राज्य का पैसा उत्तर प्रदेश, राज्य का पैसा नेपाल, राज्य का पैसा झारखंड, राज्य का पैसा सब रंग लिया मनाने बिहार के लोग, अब बिहार दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, फटियाल हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति इनकम कम होता जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं लगता है कि प्रत्येक व्यक्तियों की इनकम कम हो रही है लेकिन वकील साहब लोगों का इनकम बढ़ रही हो? हम लोग को इनकम कहाँ से बढ़ रहा है? प्रतिदिन मान लीजिए कि जिला आबकारी विभाग या अदर पुलिस थाना जो है, कितने ऐसे लोगों को पकड़ के लाती होगी? अरे वकील का कमाई नहीं बढ़ रहा है, बिहार सरकार के पुलिस का कमाई पर एक थाना का 5 लाख रुपया बढ़ गया, उनमें से 3 लाख रुपया सरकार का, 2 लाख रुपया थाना को, बस यही बिजनेस चल रहा है। वकील तो आपके पास आता होगा ना? अभी तो वहाँ से अपने कंगालों को आता है, तो हम लोग जंजाल में पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो सभी शराबी आता है सबको तो कंगाल थाना बना देता है, और हम लोग जंजाल यहाँ पैदा करके उसको न्याय करते हैं। एक चीज और बताया जाए सर, कि ये जो आपका कैंपस है, ये कैंपस के अगल बगल में भी बहुत सारे शराब के ढक्कन बोतलें फेंकी हुई है, इस पर भी कुछ कहा जाएगा? ये हम लोग रोड पर जो बाहर जो लोग फेंक देता है ना, उसको हम लोग न्याय व्यवस्था से बचाने के लिए चुन के अपने गटर खाना में रखे हुए हैं। अच्छा, वहाँ से चुन के लाए? हाँ, वहाँ से चुन के लाए कि ताकि सरकार को की बदनामी ना हो सके, उसको बदनामी से बचाने के लिए हम चुन के हम लोग न्याय व्यवस्था करते है। राज्य का नुकसान ना हो, राज्य की बदनामी ना हो, इसके लिए हम लोग टोकरी में चुन के अपने गटर खाना में रखे हुए हैं। सर एक चीज और है, आप गरीब राज पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ऐसा ही है ना? हाँ, यस। तो आप पार्टी कब बनाए? 2020 में पार्टी बना, उसके बाद कोरोना आ गया हिंदुस्तान में। अच्छा। हम जब ये पार्टी बनाए कोरोना छा गया पूरे भारत में। फिर इसका मतलब ये है कि पार्टी आप बनाए और कोरोना लेकर आए? न, कोरोना लेकर नहीं आया, जब हम अथी किए, जब हवन जब किए तो कोरोना पूरा भाग गया। भारतीय गरीबराज पार्टी हवन जब किया था, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान से ही भागा, आप जाके जनरल नॉलेज में पता कर लिया। भारतीय गरीबराज पार्टी आई एम द फॉल बनेगा। अच्छा। और पुलिस बिहार सरकार की ही शराब बिकेगी, और उसमें जिसे मुंबई में बार बालाएं जो डांस करती थी, उसके जगह पर हमारे बिहार में नृतांगना भर्ती होगी, वो कहलाएगी बिहारी नृतांगना, वो लोग के लिए एक मंच बनेगा, वो मंच से नृतांगना डांस करेगी, और सारे बिहारी जो होंगे वो उसमें बैठ कर उसका लुत्फ उठा के और पियेंगे, सिर्फ उनको देखने के अधिकार होगा, अगर छुए तो गोली मार देने की आदेश होगी, यू नो। यानी मतलब दूर से शराब और शबाब दोनों को परोसे जाएंगे, पूरे भारत, पूरे बिहारियों को सूरज अस्त और पूरा बिहारी मस्त सामने प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार उर्फ दीपक निषाद, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय गरीब राज पार्टी। तो गरीब राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार जी हैं, और यहाँ पर कुछ अन्य भी जो है दूर दूर से ग्रामीण आए हुए हैं, वकील हैं, तो वकील को आना एकदम अनिवार्य है। इन लोगों से भी कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। इंद्रलोक में हम लोग सुनते हैं जो वहाँ भी सूरा और सुंदरी की व्यवस्था थी, इंद्रलोक में भी सुनते हैं, लोग बोलते हैं। अच्छा। समझे? लेकिन मेरे नजरिए से नीतीश कुमार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये नियम लाया गया है, ये नियम उनका सही नहीं था, इसमें कुछ सुधार करके। और क्या सुधार होना चाहिए लगभग आपके? सुधार बोले तो बहुत सारा ऑप्शन है, ये अभी जैसे ये किए हैं कि पीने वाले को फाइन दिया जाता है, यहाँ जो भी रेगुलर पीने वाले लोग हैं वो लोग एक भी यहाँ पकड़ के नहीं लाए जाते हैं, वो लाए जाते हैं, वो जो गरीब तबका के लोग हैं जो ये ताड़ी वगैरह का सेवन करते हैं, उनको घर से दरवाजे से उठा के पुलिस यहाँ तक लाती है, उनसे 2500-3000 3500 रुपया यहाँ जमा करवाती है, उसको फिर मुक्त कर दिया जाता है जी।
शराब बिहार में जो बंद है कितना सही और कितना गलत? देखिए, शराब जहाँ तक बंदी के खोलने की बात आती है तो आपको लीगल जो बातें होती है लीगल के तहत तो ये खराब है। पहला नंबर एक, पहला जुडिशरी और ये जो भी है और कार्यपालिका, ये विधायकपालिका, तीनों पर आपका क्या कब्जा है, कैसे बात करते हैं। गरीब लोग सभी दृष्टि से चले जाते हैं, नीचे वाले लोग, और बड़े लोगों को क्या होता है इसका कोई पहलू नहीं होता है। यानी कहा जाता है गरीब लोगों के लिए जेल है और बड़े लोगों के लिए बेल है, ठीक है। इसलिए आपका हमारा कहने से कुछ नहीं, पत्ता भी हिलने वाला नहीं है दुनिया में। पहला नंबर, जो भी दुनिया में बने हैं, ठीक है ना, नेता, उसका कोई भी यहाँ पर लेखा जोखा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अंधनी नगरी चौपट राजा और टकेसर खाजा टकेसर भाजा क्या कहानी होती। इसलिए कि कोई भी प्रशासन विभाग में जाता हूँ तो आज का काम एक महीना में होता है। पहला नंबर, तो कोई भी प्रशासनिक यहाँ पे क्या है किसी का भी रोग या कोई का डिक्टेटरशिप नहीं चल पाता है। तो हमारे पूछने से कोई पत्ता नहीं हिलने वाला है और ना आपके कहने से होने वाला है, ठीक है। ये होता है मनसा बचा कर्मणा, आपके अंदर में या जो भी सरकार है, मनसा बचा कर्मणा, जिसके जो भी सरकार आ जाए उसके अंदर में लिगलिटी आ जाएगा, उस दिन आप शराब बंदी हो सकता है। आपके हमारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपके हाथ में एक ताकत है, ब्रह्मसूत्र है। हाँ बोलिए। ठीक है, पिछले जमाने में जब राजपाट लेनी होती थी, शासन चलाना होता था, तो युद्ध करना पड़ता था और युद्ध में न जाने लाखों करोड़ों लोग मारे जाते थे। लेकिन अब जो है जनता जो है अपने अंगूठे से किसी को भी सत्ता दे सकती है और वो व्यवस्था का मालिक बन सकता है। अभी के बात है कि ईंट के जवाब पत्थर से नहीं दिया सकती है, अभी ईंट का जवाब फूल से दिया सकती है। फूल किसी के किसी भी लीडरशिप में नहीं है, फूल आप नहीं लगा। शराब बंद होना चाहिए, सर्ग चालू रहा। शराब बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके कहने से नहीं होगी बंद, कहने से आपके क्वेश्चन करने से 1% भी वैल्यू नहीं है। आपकी विचार क्या? मेरे विचार बंद कभी भी नहीं हो और कभी भी खुले नहीं, वो बात नहीं है। मेरी विचार है कोई भी जो निषेध जो है दुनिया में हर चीज खराब है, अब इसे आंकड़ा लगा सकते हैं। तो मैं इस पर क्वेश्चन आपका राज नहीं है कि बंद करना है खुलना है, मैं इसका डिक्टेटरशिप नहीं हूँ। क्या कर सकता हूँ जनता के नजरों से आपको? अरे जनता कुछ भी नहीं है, आप जो बोलते हैं वही होता है। मैं जो करता हूँ वो नहीं सुनता है दुनिया, वो जो सोचता है वो करता है। क्या पर्चे हुआ सर? मेरा नाम महेश कुमार अधिवक्ता, महेश कुमार अधिवक्ता है, और इनका कहना यह है कि किसी के सोचने से और समझने से सब कुछ नहीं होता है। लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों से कहूंगा कि आज न्यायपालिका की जो है एक स्थान पर हम एडवोकेट एसोसिएशन में बैठे हुए हैं और यही से शुरुआत होती है लोगों को न्याय देने और दिलाने की व्यवस्था। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि यह समाज में ये मैसेज भी जानी चाहिए कि बिहार की सरकार जिसे उन्होंने चुना है और उनके लिए क्या वो कर रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।